हेलो ऑल, हम लोग BHU में हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आज हम यहाँ कुछ छात्र इकट्ठा हुए हैं, CAA और NRC और तत्काल में NPR भी ऐड हो गया है, उसको लेकर हमारे समाज में, हमारे देश में जो बहस हो रही है, उस बहस में एक स्टूडेंट होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, हम समझते हैं कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और हम अपना ये स्टैंड हमारा है कि हम CAA, NRC और NPR का विरोध करते हैं, और उस विरोध को देखते नज़र रखते हुए हम आज एक कविता पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि हमारे दौर में पढ़ा जाना ज़रूरी है, हमारे समय में बहुत कॉन्टेक्चुअली फिट कविता है। और हम क्यों इस एक्ट का, CAA, NPR और NRC, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ये तीन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, इसको जानने के लिए मेरे ब्लॉग को पढ़िए। लेकिन अभी तत्काल में हम कविता पढ़ रहे हैं, आलोक धनवा की गोली दागो पोस्टर। मैं समझता हूँ कि इस कविता को बेबाक तरीके से, बिना डरे हुए पढ़ा जाना ज़रूरी है। सिंस इतना अथॉरिटेरियन सरकार हो गई है कि सब लोग डर गए हैं, इसलिए हम लोग अपना चेहरा लगभग इस तरह से अंधेरे रोशनी की एब्सेंस में, इस तरह से हमने कैद किया हुआ है अंधेरे को कि आप देख ना पाएं। ये हमारे समाज का एक ट्रेजडी है कि एक स्टूडेंट को एक कविता पढ़ने के लिए आज के दौर में डार्कनेस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो हमारी एक कविता है आलोक धनवा की, जो हम समझते हैं कि BHU के स्टूडेंट होने के नाते अपना CAA, NRC और NPR का विरोध दर्ज कराते हुए इस कविता को पढ़ें, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सो आलोक धनवा की गोली दागो पोस्टर, गो एड। यह सन 2020 की 3 जनवरी है, या किसी पेशेवर हत्यारे का दाया हाथ, या किसी जासूस का चमड़े का दस्ताना, या किसी हमलावर की दूरबीन पर टिका हुआ धब्बा है। जो भी हो, इसे मैं केवल एक दिन नहीं कह सकता। जहां मैं लिख रहा हूं, यह बहुत पुरानी जगह है, जहां आज भी शब्दों से अधिक तंबाकू का इस्तेमाल होता है। आकाश यहां एक सुअर की ऊंचाई भर है, यहाँ जीव का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है, यहाँ आँख का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है, यहाँ कान का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है, यहाँ नाक का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। यहाँ सिर्फ दांत और पेट हैं, मिट्टी में धंसे हुए हाथ हैं, आदमी कहीं नहीं है, केवल एक नीला खोखल है जो केवल अनाज मांगता रहता है। एक मूसलाधार बारिश से दूसरी मूसलाधार बारिश तक, यह औरत मेरी माँ है, या 5 फीट लोहे की एक छड़ जिस पर 2 सूखी रोटियां लटक रही हैं मरी हुई चिड़ियों की तरह। अब मेरी बेटी और मेरी हड़ताल में बाल भर भी फर्क नहीं रह गया है, जबकि संविधान अपनी शर्तों पर मेरी हड़ताल और मेरी बेटी को तोड़ता जा रहा है। क्या इस आकस्मिक चुनाव के बाद मुझे बारूद के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या 2020 की 3 जनवरी को मैं अपने बच्चे के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूँ, शाही से भरी दवात की तरह,
एक गेंद की तरह क्या मैं अपने बच्चों के साथ एक घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूँ? वे लोग अगर अपनी कविता में मुझे कभी ले भी जाते हैं तो मेरी आँखों पर पट्टियाँ बांधकर मेरा इस्तेमाल करते हैं और फिर मुझे सीमा से बाहर लाकर छोड़ देते हैं। वे मुझे राजधानी तक कभी नहीं पहुंचने देते हैं। मैं तो जिला शहर तक आते आते जकड़ लिया जाता हूँ। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया। बहन के पैरों के आसपास पीले रेड़ के पौधों की तरह उगा था जो मेरा बचपन, उसे दरोगा का भैंसा चर गया। आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर एक दरोगा को गोली दागने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं? जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस जमीन पर मैं चलता हूँ, जिस जमीन को मैं जोतता हूँ, जिस जमीन में मैं बीज बोता हूँ और जिस जमीन से अन्न निकालकर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं? यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। सो ये कविता हम BHU के स्टूडेंट होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, आइडिया ऑफ इंडिया की जो समझ है उसके नाते हम समझते हैं कि इस कविता को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। और CAA, NRC और NPR 2010 का NPR या जिस भी समय मनमोहन सिंह के टाइम में जब NPR हुआ था, वो NPR इसलिए नहीं गलत था क्योंकि उस समय CAA और NRC की चर्चा नहीं थी। इस बार है। हम फर्दर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को आप फॉलो कर सकते हैं sasank2592.wordpress.com। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, और कीप अपोजिंग CAA, कीप अपोजिंग NRC एंड कीप अपोजिंग NPR, बिकॉज इट इज़ इंटरफेयरिंग विद दी सेकुलर फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, सेकुलर स्टैंड ऑफ आवर कम्युनिटी एज अ नेशन, and somewhere it is disturbing the families now. So I think it should be stopped, and I request government to rethink about the whole idea, because we have to focus as a nation on developing new sectors so that new employment can be produced. And I think because of the technological advancement, nature and source of employment is rapidly changing. So I think government should focus in those direction rather than in CAA, NRC and NPR. And for further explanation, please read my blog. I'm very soon uploading my new blog about why I'm opposing NRC, why I'm opposing NPR, and why I'm opposing CAA. And the student who has participated in this whole video is I'm very kind of very grateful for him to sort of
participate in this video. So signing off, thank you so much and good night.